दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी को बताते हैं, इस समय श्रावण मास का मेला चल रहा है और आज हम आप सभी को वाराणसी जंक्शन से सुल्तानगंज तक का भीड़ देंगे, जहां बाबा देवघर जाने का स्थान है, तो वहां से चल उठाएंगे। तो आप सभी हमारे से अपडेट बने रहिए और वाराणसी जंक्शन से सुल्तानगंज जंक्शन तक का अपडेट देंगे, तो अपना प्यार सपोर्ट बनाइएगा। और आपको दिखाते हैं बैक कैमरे के माध्यम से, यहाँ बारिश हो रही है काफ़ी ज़ोरों से। बता दें कि हमारी ट्रेन को सिग्नल मिल गई है अमृतसर हावड़ा, जो कि पंजाब मेल के नाम से जानी जाती है। और देखिए कुछ इस प्रकार का यहाँ पे वर्षा हो रही है, इंद्रदेव जी प्रसन्न हैं और सामने अमृतसर हावड़ा ट्रेन। और हम फिलहाल स्लीपर बोगी में और सफ़र करेंगे क्यूल जंक्शन तक का हावड़ा अमृतसर ट्रेन से। तो अपना प्यार सपोर्ट बनाइएगा और हमारी जर्नी को अपना फुल सपोर्ट दीजिएगा, आपके सपोर्ट से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो चलिए हम बोगी के अंदर चलते हैं, फिलहाल बारिश हो गई है और हम अंदर चलते हैं बोगी के अंदर का सीन दिखाएंगे आपको। तो बने रहिए इस अपडेट में, अपना प्यार सपोर्ट बनाइएगा। हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी को बता दें, इस समय हम वाराणसी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर हैं और बगल में ये 8 है और इधर 9 है। और बता दें आप सभी को, यहाँ पर मौसम काफ़ी अच्छा है और आज हम जा रहे हैं वाराणसी जंक्शन से बाबा धाम, यानी देवघर जा रहे हैं बाबा को जलाभिषेक करने। तो अभी हम इस ट्रेन से हावड़ा अमृतसर मेल से, पंजाब मेल से हमारी यात्रा क्यूल जंक्शन तक होगी, वाराणसी जंक्शन से क्यूल जंक्शन तक। और हम पूरी यात्रा में आप सभी को दिखाएंगे अपनी यात्रा, क्योंकि हम बाबा को जलाभिषेक करने जा रहे हैं, बोलबम यात्रा कांवरिया का यात्रा करने जा रहे हैं। देखिए धीरे बारिश भी हो रही है, मौसम काफ़ी सुहाना हो गया है, काफ़ी अच्छा हो गया है काशी नगरी। और चलिए इस अपडेट बने रहिए, हम आपको पूरा अपडेट दिखाएंगे क्यूल जंक्शन तक का, अभी फिलहाल इस ट्रेन से हावड़ा अमृतसर मेल से। तो बने रहिए इस अपडेट में, अपना प्यार सपोर्ट बनाइए। और हमारी ट्रेन है देखिए वाराणसी जंक्शन से निकल गई है, काशी अगला स्टॉप आने वाला है। और कुछ प्रकार के देखिए यहाँ पर बारिश अभी रुक चुकी है, बारिश काफ़ी तेज़ हो रहा था, अभी रुकी हुई है। तो चलिए बने रहिए इस अपडेट में। अभी देखिए हमारी ट्रेन काशी स्टेशन पहुँच रही है, जैसा कि आपको दिखा रहे हैं। और काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है, जैसा कि आप सभी को बता दें मौसम बहुत अच्छा है। और महादेव जी सभी भक्तों का मनोकामना पूर्ण करें, आप सभी का कल्याण करें। तो चलिए बने रहिए अपडेट में, अपना प्यार सपोर्ट बनाइए। और देखिए हमारी ट्रेन काशी स्टेशन पर आ गई है, आगमन हो गया है काशी स्टेशन पर। देखिए गंगा जी का कुछ इस प्रकार का व्यू काशी नगरी, और इसमें जलस्तर बढ़ा हुआ है जैसा कि बताते हैं। और इस समय हम गंगा ब्रिज पर हैं, जो काशी स्टेशन के आगे पड़ता है, एक अपने आप में अच्छा अद्भुत लग रहा है। और देख रहे हैं आप लोग 84 घाट दिख रहा होगा, वाराणसी का 84 घाट काशी। बोलबम के जयकारा से पूरा गूंज उठ रहा है बनारस। और देख रहे होंगे आप सभी को नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जैसे बता दें गंगा जी का। और कटान देखिए आपको दिख रहा हो, काफ़ी ज़्यादा कटान हो रहा है उधर रेत का, क्योंकि नदी बढ़ रहा है तो इसलिए कटान काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। तो चलिए अपना प्यार सपोर्ट बनाइएगा और हमारी जर्नी में बने रहिए, अपना सहयोग करिए। देखा तो कटान कितनी थी। अभी ट्रेन हमारी सुल्तानगंज स्टेशन पर पहुंच रही है, जैसे बता दें आपको। और सुबह का समय हो गया है, करीब 5 बजे हैं।
अच्छा देख रहे हैं आप लोग, काफ़ी संख्या में केंद्र लगा हुआ है। हम सुल्तानगंज स्टेशन पर आ गए हैं, जैसा कि आप सभी को बता दें, और यहां से अभी हम आधे घंटे आराम कर सुल्तानगंज से जल उठाएंगे, जैसा कि आपको बता दें। और कुछ प्रकार का देखिए स्टेशन का व्यू, कांवड़ियों का पूरा भीड़ लगा हुआ आपको देखेगा, पूरा दूर दूर तक कांवड़िया ही कांवड़िया दिखेंगे आपको, और काफ़ी भीड़ है जैसे कि आप बता दें सुल्तानगंज स्टेशन पर। और बोलबम के जयकार से पूरा सुल्तानगंज स्टेशन गूंज उठा है, जैसा कि आप सभी बता दें। तो चलिए अभी हम बाहर चलते हैं, फिलहाल सुबह के 5:08 हो गया है। आपको सभी को बता दें कि यहाँ देखिए अंदर एंट्री करने का स्थान है, प्रवेश द्वार दोनों तरफ बनाया गया है, और इधर काफ़ी गंदगी है सुल्तानगंज स्टेशन पे, जैसा बता दें। और सामने टिकट काउंटर है, जैसा बता दें अभी बंद है, उधर अनारक्षित टिकट काउंटर है। और किस प्रकार का व्यू आपको दिख रहा है, और यहाँ पे लोग कांवर भी बेच रहे हैं, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे कांवर लोग बेच रहे हैं। और चलिए हम बाहर से भी दिखाते हैं आपको, और यहाँ पे काफ़ी व्यवस्था किया गया है RPF द्वारा, सहयोग केंद्र जगह जगह बनाया गया है। और किस प्रकार का सुल्तानगंज स्टेशन अपने आप में एक अद्भुत है, जैसा बता दें आपको, काफ़ी अच्छा बनाया है जैसा बता दें आपको। और महादेव जी आप सभी की समस्त मनोकामना पूर्ण करें। और जैसा कि आपको हम बताएं कि हम अपनी यात्रा जौनपुर से सुल्तानगंज तक की यात्रा पूरी कर चुके हैं, वाया वाराणसी वाया कोइल जंक्शन होते हुए हम सुल्तानगंज स्टेशन पहुंचे हैं। चलिए इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं, और आगे जो पदयात्रा रहेगी तो उसका पल पल अपडेट हम आपको देंगे अगली वीडियो में। तो अपना प्यार सपोर्ट बनाइए, और इस बाबा धाम की यात्रा में अगर आप लोग अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, अपना प्यार सपोर्ट बनाइए। तब तक के लिए हर हर महादेव।